कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें ना। मोहम्मद रफी साहब का गाया ये वो गाना था जिसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा दिया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसकी टक्कर का दूसरा नगमा आज तक नहीं बना। इस गीत के लिए जो सीन रखा गया था उसमें वास्तविकता लाने के लिए उन्होंने खुद कोठे पर जाकर वहां की औरतों की दुर्दशा को देखा था और वहां की औरतों के दर्द को महसूस किया था। मोहम्मद रफी साहब के गाए इस गीत के जरिए क्रांतिकारी शायर साहिर लुधियानवी ने देश के हुक्मरानों को आईना दिखाया था और उन्हें सामने आने की चुनौती दी थी, लेकिन संसद में इस गाने को लेकर खूब बवाल हुआ। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस गीत से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। दोस्तों, गुरुदत्त की 1957 की फिल्म प्यासा दुनिया में अब तक बनी टॉप 100 फिल्मों में से एक है। बेहतरीन संगीत और अभिनय की वजह से इस फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया। हर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। तो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आज सजन में अंग लगा लो, जन्म सफल हो जा। मसली हुई अधखिली जल्द गलियां, ये बिकती हुई हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे। तो हम हम गमजदा हैं, लाए कहां से खुशी के गीत। जाने क्या मैंने सुनी बातें कुछ बन ही गई। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया तुम्हारी है तो। इस फिल्म के लिए क्रांतिकारी मिजाज वाले शायर साहिर लुधियानवी ने चकला घर में औरतों की दुर्दशा को लेकर गीत लिखा था, जिसकी धुन सचिन देव बर्मन ने बनाई और जिसे महान गायक मोहम्मद रफी ने गाया था। यही वो गाना था जिसके इर्द गिर्द फिल्म का ताना बाना बुना गया था। ऐसे में इस गाने के लिए जो सीन रखा जाना था उसको लेकर गुरुदत्त ने खूब रिसर्च किया। सीन में वास्तविकता लाने के लिए गुरुदत्त और पटकथा लेखक अबरार कोलकाता के मशहूर रेड लाइट एरिया में खाक छानने पहुंचे। वहां वे दोनों एक कोठे पर भी गए। वहां गुरुदत्त ने देखा कि उस कोठे पर नाचने वाली तवायफ गर्भवती थी और नाचते हुए लड़खड़ा रही थी। गुरुदत्त ये देखकर हैरान रह गए कि वो नाचने वाली तवायफ गर्भवती है, फिर भी लोग उसे नचाए जा रहे थे और वो अपना दर्द भूलकर सिर्फ चंद सिक्कों के लिए नाचे जा रही थी। इसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ गए और गुरुदत्त ने कहा कि मुझे साहिर के गाने के लिए चकले का सीन मिल गया। ये गाना था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। जब मोहम्मद रफी ने इस गाने को गाया कि आपने अगर इस फिल्म को नहीं भी देखा हो तो भी अगर इस गाने को सुनेंगे तो आप भी उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये सदियों से बेखौफ सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंगरलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसले। लेकिन इस गाने को लेकर देश में खूब विवाद हुआ। यहाँ तक कि मशहूर अभिनेत्री और संसद में राज्यसभा सदस्य नरगिस दत्त ने इस गाने पर खूब आपत्ति की। उन्होंने कहा था कि प्यासा के गीत हतोत्साह और निराशा को जन्म देते हैं, वो देश की गलत तस्वीर पेश करते हैं। तवायफों और चकला घरों को लेकर फिल्म जैसी खड़ी की गई है वो तवायफें और चकला घर फिल्म बनाकर पैसा कमाने का पुराना मसाला है। दर्द भरे मुजरा गीत दिल को छूते हैं, पर ऐसा दर्द और इतना दर्द देश की गली गली में कहाँ है,
क्या हिंदुस्तान महज चकला घरों तक महदूद है? नहीं, ये फिल्म वालों का चुना हुआ गिमिक है। इससे तवायफें धन्य नहीं होती, बल्कि सिनेमेटिकली ज्यादा शोषित मालूम पड़ती हैं। नरगिस दत्त ने ये भी कहा था कि साहिर साहब को हंसते खेलते खिलखिलाते गीत लिखना चाहिए, क्योंकि हमारी दैनिक जिंदगी और उसका असल बड़ा हिस्सा आशा, खुशी और जीने के हौसले से बनता है। नरगिस की बात में दम था, पर वो भी एक तरफा बात ही थी, और सीमांत पर भी तवायफों पर फिल्म बनती आई है और बनती रहेंगी। मगर सिनेमा यदि कला है और जीवन में उसका भी स्थान है, तो देखा जाएगा कि इस शाश्वत और पुराने सिनेमाई मसाले पर कौन डायरेक्टर कितनी अच्छी फिल्म बनाता है और फिल्म का ट्रीटमेंट कितना उन्नत रखता है। तो नरगिस जी की आवाज आई गई हो गई और प्यासा सुपरहिट रही। अब अगर इस गीत की बात करें तो इसमें कसी हुई डिटेल्स से भरी और सम्मोहक उर्दू से लबरेज शायरी हमें मुग्ध करती है। गीत लिखे हुए रूप में ही दिल जीत लेता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य और आनंद देता है अभागी तवायफों से मुताल्लिक वो हाहाकारी डिटेल्स, बहती भाषा में दिए वो मार्मिक विवरण और शुरू से आखिर तक गीत में चलता वो बेरोक टोक प्रवाह, जिन्हें गद्य में भी साधने में अड़चन होती, मगर जो यहाँ बड़ी आसानी से मीटर की कैद में खुली सांस लेते दृष्टिगोचर होते हैं। ये गीत साहिर की रचना प्रतिभा की सर्वोच्च मिसाल है। साहिर की ये रचना क्योंकि शोक में डूबी हुई है, बर्मन दादा ने उसकी गमगीन धुन बनाई है। गाने में संगीत न के बराबर है, क्योंकि एक मंदगामी विषाद गीत में अधिक संगीत की क्या जरूरत है। बर्मंदा शुरू में और कहाँ है कहाँ है कहाँ है लफ्जों पर एक अलग आवाज पैदा करते हैं, जो इलेक्ट्रिक गिटार की है, जिसका मतलब है जैसे वे हिंद के मुहफिजों को घंटा नाद करके जगा रहे हैं। मगर इन प्राथमिक बातों के बाद इस गीत के असल हीरो मोहम्मद रफी साहब हैं, क्योंकि थिएटर में और बाहर हम इस गाने को पढ़ते नहीं, सुनते हैं। मतलब गाना अगर गाया गया है और सुने जाने के लिए है, तो उसका असल नायक गायक ही है। रफी साहब ने इस गाने को डूब कर गाया है, इसके एक एक लफ्ज और सतर के साथ न्याय किया है। गायन में जिस विषाद की जरूरत थी, उसे वो अपनी गुलकारी में भरपूर उतार लाए हैं। इस गाने के लिए रफी की बुलंद और पाताली आवाज की जरूरत थी, क्योंकि ये गाना इस या उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि तमाम मनुष्य जाति के लिए गाया जा रहा था। ये एक आसमानी गीत था, इसके संबोधन के दायरे में जैसे सारा आलम आता था। तो रफी साहब की आसमानी आवाज ने इस गीत को यूनिवर्सल सॉन्ग बना दिया। गुरुदत्त भी इस आवाज के बिना फिल्म में अधूरे थे। तो दोस्तों, आप इस गीत और फिल्म प्यासा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।